हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप? आई होप आप बिल्कुल ठीक हो। तो मैंने अभी मीशो से कुछ मंगाया था, तो वो पार्सल मेरे पास आ गया, तो मैंने सोचा मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँ कि कैसा आया है। और मैं ओपन करके आप लोग के सामने ही दिखाती हूँ कि मुझे प्रोडक्ट कैसा रिसीव हुआ है। अभी मैंने इसे अनबॉक्स नहीं किया है, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा मीशो से प्रोडक्ट मेरे पास आया है। अब मैंने जो है ना नोज पिन मंगाया था, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मुझे इस तरह से रिसीव हुआ था, और हस्बैंड भी बहुत खुश थे और मुझे पैसे दे रहे थे कि तुम्हें जो जो चाहिए वो सारे सामान तुम ले लो। और ये देखिए ना फ्रेंड्स, मुझे ये जो है ना ये कुछ इस तरह से रिसीव हुआ है। ये देखिए आप कैमरे के पास, ये देखिए। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, तो मैं इसे पहन के दिखाती हूँ आप लोग को। मैं इसे आपको दिखाती हूँ कि कैसे इसे पहना जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो पीछे का भाग है, पीछे में एक ही वायर दिया गया है। मैं एक ही हाथ से कैमरा पकड़ी हुई, एक हाथ से कर रही हूँ रिव्यू। तो इसे जब हम थोड़ा सा दबाएंगे, पुश करेंगे, मतलब खींचेंगे, तो ये देखिए कुछ गैप बन जा रहा है। इसी गैप को हमें अपने नोज़ में इस तरह से थोड़ा गैप ज़्यादा कर देती हूँ, क्योंकि एक हाथ से उतना अच्छी तरीके से पुश नहीं हुआ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये गैप इतना गैप हो गया है। इसी गैप को जो है ना हमें नोज़ में यूँ लगा के और इसे यूँ प्रेस कर देना है। तो ये जो नोज़ पिन है, कुछ पहनने के बाद ये इस तरह से दिख रहा था। पर मैं जब इसे मंगाई थी ना, तो मुझे लगा था कि ये पूरे नोज से अच्छी तरीके से होगा, पर ये पहनने के बाद ये साइज जो है ना ये उड़ जा रहा है, तो ये मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। ये देखिए, और मैं इसे तीजे पहनने के लिए मंगाई थी। और देखिए क्या करती हूँ इसका मैं, और ये ईजली निकल भी जाता है। अगर आप नोज़ में कुछ पहने हैं तो उसके ऊपर भी आप इसे पहन सकते हैं। ये देखिए छुप जाता है ऐसे ही, बहुत इजी तरीके से इसे आप पहन सकते हैं। और अगर आपका नाक जो है वो छेदा हुआ नहीं है तो भी आप पहन सकते हैं इसे। जो गर्ल्स जो होती हैं या औरतें होती हैं जो जिन्होंने अभी तक अपने नाक को जो है छिदवाया नहीं है, तो वो भी इसे पहन सकती हैं, और अच्छा है। मैं तीज में पहनती हूँ, देखती हूँ क्या होता है, पर क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। जैसा मुझे दिखाया गया था मीशो में, ये वैसा बिल्कुल नहीं है। तो पर ठीक है, अगर आप इसे ऑर्डर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बहुत बुरी भी क्वालिटी नहीं है इसकी। और मुझे ये डिज़ाइन जो है काफ़ी अच्छा लगा था। मुझे लगा था कि ये नोज़ में पहनने के बाद ये हैवी नहीं लगेगा, पर ये नोज़ में पहनने के बाद ये देखिए हैवी लग रहा है। ये देखिए, मैंने छोटा था कि बहुत छोटा सा होगा, जैसे हम नथ पहनते हैं ना इस तरह का होगा, पर ये नथ से काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से है। तो और ये दूसरा पार्सल आया था, इसमें मैंने नेकलेस बनाया था, ये भी बहुत अच्छे प्राइस का मुझे मिल गया था। 184 का शायद मुझे पड़ा था एक नेकलेस, और ये भी मीशो से ही आया था। बाकी के जो प्रोडक्ट्स थे वो मैंने मतलब लोकल मार्केट से लिए थे, और बहुत ही खूबसूरत नेकलेस आया था कम प्राइस में, तो बहुत ही खूबसूरत नेकलेस था ये। और इसके ईयरिंग जो थे ना वो भी काफ़ी खूबसूरत थे, मुझे बहुत पसंद आया। आप इसे मंगवा सकते हैं अगर आप इसे मंगवाना चाहते हैं तो। और स्टोन भी जो है वो काफ़ी अच्छे थे, इसकी जो जैसे ये गोल्डन कलर, वो वाले गोल्डन कलर नहीं थे कि जो गंदे लगते हैं, वो वाले नहीं थे, ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये प्रोडक्ट, और
तीज का साड़ी का कलर मेरा ग्रीन था, तो इसलिए मैंने ग्रीन मंगाया, बाकी कलर भी थे इसमें। इसका मौसम हो गया, इसलिए पूरे घर में जो है ना वो अंधेरा अंधेरा दिख रहा है, और बाहर मौसम बहुत सुहाना हो गया, मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स बाहर बिल्कुल जो है बारिश का मौसम हो गया, ये देखिए लग रहा है बारिश आएगा, धूप बिल्कुल नहीं है। और आगे मैं आप लोग से तीज में मैंने पहनने के लिए क्या क्या लिया है वो आप लोग से शेयर करूंगी। तो ये ब्लॉग बुधवार का है, जा रहा है तो ये देखिए फेस पे जो है ना पिंपल मुझे लग रहा है निकल रहा है। मैं बिल्कुल नहीं चाह रही थी कि फेस्टिवल पे स्किन पे कुछ हो, पर देखिए लग रहा है कल तक ये उभर जाएगा और इतनी जल्दी ये ठीक भी नहीं होगा। तो मैं कुछ ना तीज के लिए अपने लिए कुछ शॉपिंग की हूँ, मैं जो हूँ ना ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की हूँ, मैं लोकल मार्केट से ली हूँ, बगल में है दुकान और मुझे काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाता है, तो मैं यही इन्हीं की दुकान से ले लेती हूँ, मुझे काफ़ी सस्ते दाम पे मिल जाता है तो मैं इन्हीं की दुकान से ले लेती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है, ज़्यादा कुछ नहीं ली हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखिए ये गजरा मैंने लिया है, कल चूड़ा बनाऊँगी तो उसके लिए ये गजरा लिया है तीज पर। आइए बिल्कुल ये देखिए, बिल्कुल जो है ये फ्लावर उतने अच्छे से, लेकिन ये देखिए बिल्कुल जैसे ये मार्केट में दिखते हैं उस तरह के लग रहे थे, फ्रेश फ्रेश लग रहे थे रोज जो फ्लावर्स हैं ना, ये फ्लावर्स देखिए पूरे फ्रेश फ्रेश लग रहे हैं। ये वाइट कलर का है इसलिए उतना अच्छा इसमें नहीं दिख रहा है, ये देखिए, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा तो इसे मैंने ले लिया। और ये देखिए मैंने ये चूड़ियाँ भी ली हैं, ये एक हाथ की चूड़ी है, दोनों हाथ अब मैंने एक ही हाथ की बनाई है, ये देखिए, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मैंने अलग अलग लिया है, ये कंगन अलग, ये वाली चूड़ी अलग, अलग अलग करके ये सेट मैं बनाई हूँ। अगर ये सेट, अगर इसका सेट देखना चाहते हैं तो मेरे शॉर्ट्स वीडियो को देखिएगा और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी शॉर्ट्स वीडियो के, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। ये देखिए और ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। और ये मैंने नेल पेंट लिया है, परसोनी का है, साड़ी ग्रीन कलर की थी तो मैंने ग्रीन कलर का ही ये जो है नेल पेंट भी ले लिया। और एक कंगन और मैंने लिया है, ये देखिए ये डेली यूज़ के लिए लिया है। और ये जो मैं पहनी हूँ ना ये वाले हाथों में ये वाले कंगन, यही कंगन है, बस थोड़ा सा इसका डिज़ाइन चेंज हो गया है तो मैंने ये वाला भी ले लिया है, ये देखिए। और ये काफ़ी खूबसूरत मुझे लग रहा था और ये बहुत चलता भी है, मैं इसी मतलब मैं 1.5-2 महीने इसे पहनी हूँ, पर ना इसका कलर गया इस कंगन का और ना ही इसके जो स्टोन है वो निकले, तो इसलिए मैंने ये भी ले लिया कि जब ये तो चलता भी है। मैं 1.5-2 महीने इसे पहनी हूँ, पर ना इसका कलर गया इस कंगन का और ना ही इसके जो स्टोन है वो निकले, तो इसलिए मैंने ये भी ले लिया कि जब ये तो कभी ख़राब होगा तो मैं इसे पहन लूँगी। और उनके पास जो है ना नए नए डिज़ाइन के कंगन आते रहते हैं, तो इसी वजह से मैंने ले लिया कि कहीं ऐसा ना हो ये वाला जो डिज़ाइन है वो ख़त्म हो जाए। और मैं आपको दिखाती हूँ लिपस्टिक, और ये मैंने मैट का लिपस्टिक लिया है, टोमेटो रेड कलर, ये देखिए। और ये कलर मुझे चाहिए था तो मैं ना उन्हें ऑर्डर दी थी और ऑर्डर दे के मंगवाई हूँ ये वाला, ये देखिए कलर जो है कितना प्यारा है इसका, ये देखिए बहुत खूबसूरत कलर है ये। तो ये वाली लिपस्टिक है। और फ्रेंड्स ये मैंने काजल लिया, ये भी परसोनी का है और इसका जो पैक है मैंने खोल दिया था ना, मैं चेक कर रही थी, ये देखिए और काफ़ी अच्छा काजल है। मैं इसे चेक कर रही थी लेने के बाद कि कहीं ऐसा ना हो कि लगाने के बाद ये फैल जाए आँखों में, तो बिल्कुल फैल नहीं रहा है, बहुत ही अच्छा काजल है। और ऐसा नहीं कि मैं इसे फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, मैं जब भी काजल लेती हूँ ना तो परसोनी हो या लैक्मी हो मैं यही वाला काजल लेती हूँ, दूसरा काजल मैं नहीं लेती हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छा। वैसे काजल मैं बहुत ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, ये देखिए इस तरह से है ये, तो बस और ज़्यादा कुछ नहीं लिया है, यही सब लिया है। और बाकी सामान जो है मेरे पास है, मैं कंसीलर प्राइमर ये सब यूज़ नहीं करती हूँ तो वो सब मेरे पास है भी नहीं और मैंने लिया भी नहीं है।
बस इन्हीं सबसे तीज की मैं तैयारी, बस इन्हीं सबसे मैं तीज का मेकअप करूँगी। तो बस यही थी मेरी तीज की शॉपिंग की, तो बस यही था मेरे तीज का शॉपिंग कि मैंने तीज पे क्या क्या शॉपिंग किया है। तो आप सबको मैं ऑनलाइन तो मंगा ही नहीं हूँ कि मैं बोल दूँ कि आप सबको अच्छा लगे तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैंने इसे लोकल मार्केट से लिया है, मेरे बगल में मुझे काफ़ी अच्छे प्राइस पर मिल जाते हैं, तो मैं वहीं से हमेशा शॉपिंग कर लेती हूँ। मेकअप के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं मैं वहीं से शॉप। फ्रेंड्स, ये मेरे तीज के मेकअप का छोटा सा वीडियो था। अगर आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगी उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और फुल वॉच करिए मेरे वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।